नमस्कार जी दोस्तों, कमेंट बॉक्स में लिखिए जय माता दी। दोस्तों, दुर्गा सप्तशती की यदि आप रोजाना नवरात्रों में, गुप्त नवरात्रों में सुनते हैं और या पढ़ते हैं, तो दोस्तों शक्ति आपको मिलती है, ताकत मिलती है और साथ ही साथ हर तरह की आपकी कामनाओं की भी पूर्ति दोस्तों होती है। तो विनियोगा ओम प्रथम चरित्रस्य ब्रह्मा ऋषिया महाकाली देवता गायत्री छंदा नंदा शक्तिया रद दंदिका बीजम अग्निस्तवम ऋग्वेद स्वरूपम श्री महाकाली प्रतीर्थे प्रथम चरित्र जपे विनियोगा। प्रथम चरित्र के ब्रह्मा ऋषि महाकाली देवता गायत्री छंद नंदा शक्ति रक्त दंतिका बीज अग्नि तत्व और ऋग्वेद स्वरूप है। महाकाली देवता की प्रसन्नता के लिए प्रथम चरित्र के जप में विनियोग किया जाता है। ध्यानम महाकाली जी का ध्यान मंत्र इस प्रकार है। ओम खड्गम चक्र गदे शुचाप परिखा चूलम भूषंडी शिरा षडगम सदंती करे स्त्रिन नैनान सवांड ग भूषा व्रताम नीला शमद युति मास्य पाद दश काम सेवे महाकाली काम याम स्तो सब पीते हरो कमल जो हंतुम बंधु कैडवम ओम नमः चंडिकाय। ध्यान भगवान विष्णु के सो जाने पर मधु और कैटब को मारने के लिए कमल जन्मा ब्रह्मा जी ने जिनका स्तवन किया था उन महाकाली देवी का मैं ध्यान करती हूँ। वे अपने 10 हाथों में खड़ग चक्र गदा बाण धनुष परिग शूल भुषंडी मस्तक और शंख धारण करती हैं। उनके 3 नेत्र हैं। वे समस्त अंगों में दिव्य आभूषणों से विभूषित हैं। उनके शरीर की कांति नीलमणि के समान है तथा वे 10 मुख और 10 पैरों से युक्त हैं। ओम चंडी देवी को नमस्कार है। ओम ए मार्कंडे उवाच सावणी सूर्यतनयो यो मनु कथते स्टम निशामय ततुपति विस्तराद गदो तो मम। मार्कंडे जी बोले सूर्य के पुत्र सावणी जो 8वें मनु कहे जाते हैं उनकी उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ। सुनो महामायानु भावेन यथा मनवंतरा दीपा सा भवु महाभागा सावड़ी स्तोनयो रवे। सूर्य कुमार महाभाग सवर्णी भगवती महामाया के अनुग्रह से जिस प्रकार मनवंतर के स्वामी वे वही प्रसंग सुनाता हूँ। सवारोचिशे नवंतरे पूर्व चैत्रवंश समुद्भव सुरथो नाम राजा भूत समस्ते क्षितिमंडली। पूर्व काल की बात है। सवारोचिश मनवंतर में सुरत नाम के एक राजा थे जो चैत्रवंश में उत्पन्न हुए थे। उनका समस्त भूमंडल पर अधिकार था। तस्य पाल्यता सम्यक् प्रजा पुत्राणि वोरसान भवु शत्रवो भुवा कोलाधिवसिन सदा। वे प्रजा का अपने पुत्रों की भांति धर्मपूर्वक पालन करते थे। फिर भी उस समय कोलाधिवसी नाम के क्षत्रिय उनके शत्रु हो गए।
तस्य तरवद युद्धमति प्रबल दंडिना न्यूनरेपि सा तय युद्धे कोला विदस सिभी जीता। राजा सूरत की दंड रीति बड़ी प्रबल थी, उनका शत्रुओं के साथ संग्राम हुआ। यद्यपि कौला विदसी संख्या में कम थे तो भी राजा सूरत युद्ध में उनसे परास्त हो गए। तथा सब पुरा मायो तो निज देशाधिपो भवत आक्रांत सा महाभाग स्थे सदा प्रबला रिभा। तब वे युद्ध भूमि से अपने नगर को लौट आए और केवल अपने देश के राजा होकर रहने लगे। समूची पृथ्वी से अब उनका अधिकार जाता रहा, किंतु वहाँ भी उन प्रबल शत्रुओं ने उस समय महाभाग राजा सूरत पर आक्रमण कर दिया। अमार्त बलि भिदुष्ट दुर्बलस्य दुरातंभिय कोशोबलम चापतम तत्रापि सब पुरे तथा। राजा का बड़ छीड़ हो चला था, इसीलिए उनके दुष्ट बलवान एवं दुरात्मा मंत्रियों ने वहाँ उनकी राजधानी में भी राजकीय सेना और खजाने को वहाँ से हथिया लिया। तो दोस्तों, मैंने अभी तक आपको 8 श्लोक सुनाए हैं, मैं आगे भी बढ़ूँगी। और दोस्तों, अगर मेरी ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।